अलैकुम दोस्तों, ये वीडियो देखें। ये वीडियो आप लोग कह सकते हो कि कल बाबर ने ना फैसलाबाद के अंदर अपनी टीम को ज्वाइन किया, स्टैलियन जो है। अब वहां पर प्रैक्टिस सेशन करने के बाद बाबर जाते हैं फैन से मिलने, और ये जो फैन से मिलने जाते हैं वहां पर फैंस की टी शर्ट्स पे साइन करते हैं, तस्वीरें भी लेते हैं। लेकिन वहां पर जब बाबर वापस जाते हैं तो बाबर को एक फैन ना, आप लोग देख सकते हो वीडियो के अंदर भी, कि वो बाबर का पहले ना हाथ पकड़ता है कि बाबर भाई मेरे साथ भी खिंचवा लें। तो बाबर वहाँ से पहले फटाफट हाथ छुड़वाते हैं, और उसके बाद जब फैन कंधे पर हाथ रखता है बाबर के कि तस्वीर खींचने वाले हैं, क्योंकि बाबर कर लेते हैं अक्सर ऐसा, कभी कभी मोस्टली ऐसा हो जाता है कि बाबर के घर भी जब फैंस आते हैं तो बाबर कर लेते हैं। लेकिन ये जो इस तरफ है कि बाबर ने जिस तरीके से हटाया है हाथ, ये काफ़ी नेगेटिव तरफ लेके जा रहे हैं, नेगेटिव ना चीज़ें फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया के अंदर, कि बाबर के आगे कुछ सेंचुरीज नहीं, बाबर के आगे कोई मैच विनिंग नॉक्स नहीं पाकिस्तान के लिए। तो ये फिर क्यों, इस तरह का एटीट्यूड क्यों? क्योंकि अभी बाबर ने जो इंग्लैंड के अंदर, आपको पता होगा कि इंग्लैंड सीरीज चल रही थी, तो वहाँ पर भी बाबर ने रूड बिहेवियर अपनाया था कि फैंस के साथ दूर हो जो, उधर हो जो, ये जो बाबर कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि यार, अब जो कंधे पे हाथ रख रहे हैं, अब बाबर को इसका जानने वाला तो नहीं ना है, और ऊपर से गर्मी होती है। तो अगर मेरे भी यहाँ पर कोई हाथ रखेगा कि भाई हाथ, लेकिन वो मुझे चिढ़ भी तो आएगी ना कहीं ना कहीं, लेकिन बाबर को बर्दाश्त करना चाहिए। अभी आप देख सकते हो कि बाबर ने ऐनक पहनी हुई थी, अगर बाबर ने ऐनक ना पहनी होती तो बाबर के एक्सप्रेशन और ज़्यादा तरीके से नज़र आते, गुस्से वाले। लेकिन बाबर ने उसका फटाफट हाथ हटाया कि यार तू हाथ हटा, तस्वीर ले और मैं फिर चला जाता हूँ। बाबर ने तस्वीर ली और चला गया। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है कि बाबर साहब ने इस तरह की हरकत क्यों की, तो मैं तो आपको वही कह रहा हूँ कि शायद गर्मी हो सकती है, कि यार उलझन होती है, चिढ़ होती है एक बंदे को कि आप चुभन होती है, पसीना आया हो तो आप हाथ रख दो यहाँ कहीं, तो फिर आपको थोड़ा सा होता है। और ऊपर से फैंस को पहले इजाज़त लेनी चाहिए हाथ रखने से पहले। सबसे पहले तो तुम्हारे कोई घर का बंदा तो नहीं ना, कोई तुम्हारे चाय ताए चाचू का बेटा तो नहीं ना वो, कि आप उसका फ़ौरन से हाथ रख लो, चल भाई तस्वीर खींच, शेरा ने शिकार खेलना, गाना ला देंगे तस्वीर ना, ऐसा तो नहीं ना होता। आपको परमिशन लेनी होती है, आपने पहले बाबर का हाथ पकड़ा के भाई बाबर भाई रुके, उसके बाद उसने हाथ छुड़वाया तो फिर उसने आपने ऐसे हाथ रख लिया कंधे पे। तो ये एक चीज़ होती है, आपको परमिशन लेनी चाहिए। अगर वो हाथ रखने का कह रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो रुक गया आपके लिए, तो आपको वो करना चाहिए। अब इसको आप नेगेटिव भी लेके जा सकते हो, आप इसको पॉजिटिव वे में भी लेके जा सकते हो, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि एक तो गर्मी होती है, और आप प्रैक्टिस करके आए हो, इतने ज़्यादा फैंस थे वहाँ पर, और जब आप जा रहे हो तो फिर एक बंदा आपको पकड़ के लाया, भागते हुए आपका हाथ पकड़ा, फिर आपके कंधे पे हाथ रखा, तो ये काफ़ी ना अजीब तरीके से फील होने लग जाता है। ये क्लिप तो अभी रिसेंटली है, कल की जब बाबर ने ज्वाइन किया, ये तभी की है, और ये कल की चाह रही है कि बाबर को इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था फैंस के साथ, बाबर की अच्छी नौक नहीं, बेशक यार अच्छी नौक नहीं, लेकिन बाबर को थोड़ा सा ना ध्यान देना चाहिए कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, आप फैंस के साथ इस तरह कर रहे हो, ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपको बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन अब मैं बाबर के हक में भी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बाबर के घर में आ जाते हैं लोग, बाबर के घर के बाहर इतनी झुंड खड़ा होता है कि जी तस्वीरें खींचनी है, तो बाबर भी अपनी जगह सही है, क्योंकि झुंड इतना ज़्यादा आ रहा है बाबर के घर के बाहर आप खड़े हो रहे हो, सिक्योरिटी के इश्यूज़ हो सकते हैं, घर वालों को इनसिक्योर फील कर सकते हैं, तो ये इशूज़ हो जाते हैं। ये दोनों तरीके से लिया जा सकता है, दोनों गलत हो सकते हैं, दोनों सही भी हो सकते हैं। अपनी राय ना कमेंट्स के अंदर ज़रूर देना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीडियो जारी कि बाबर ने मिसबिहेव किया फैंस के साथ, रूडली बिहेव किया, और दो दफ़ा लगातार हो चुका है इस साल के अंदर। वीडियो बस, थैंक यू, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और कल जी का अल्लाह हाफिज़।